सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो गाइस यार आप लोग कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो यार आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल, एंड आज के इस वीडियो में आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि यार इसमें यार हमने काफ़ी ज़्यादा पीवीपी किया है, वो भी यार टैंक के ऊपर। तो यार टैंक के ऊपर पीवीपी जानते हो कितना मज़े आ जाता है यार पीवीपी करने में। तो यार अभी तो मैं जो है रूम वगैरह करने का तैयारी कर रहा हूँ, एंड यार जो है सर्वर में इसका रिकॉर्ड करने वाला नहीं था, बट यार सर्वर इतना ज़्यादा अच्छा स्टार्ट हो जाता है ना, मैं क्या ही बताऊँ यार, कि मेरा यार इतना मन कर देता है कि मैं वीडियो बना ही लूँ, क्योंकि यार इतना अच्छा सर्वर स्टार्ट होकर वीडियो ना बनाओ तो फिर यार मजे ही किस बात के अगर ये सर्वर खेलने का। एंड आप लोग यार डीप वगैरह देख ही सकते हो पॉइंट भी, जो कि ज़्यादातर दूसरे के बीच से ही मिल गया अपने को। तो फटाफट से करते हैं यहाँ पे रूम, जो कि यार ग्रीन रूम करना वगैरह तो नहीं चाहिए, अपने को किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट यार यहाँ पे वीडियो बन रहा है तो यार करना तो पड़ेगा ना भाई, करना पड़ेगा। चलो ठीक है फटाफट से करते हैं। एंड यहाँ पे यार अपने काम का तो कुछ भी नहीं मिला, ठीक है ब्लू कार्ड उठा लेते हैं जो कि काम का नहीं है, बट यार आए हैं तो कुछ तो उठाना चाहिए। लास्ट चेस्ट उठा लिया हूँ मैं, इसको बाद में फेंक दूंगा। तो फटाफट से यहाँ पे करते हैं रूम, क्योंकि इसमें यार ओनली ATM चेस्ट है, तो यहाँ पे अपने को ये भी चलेगा, क्योंकि यार यहाँ पे जो है अभी अपने को AR मिल सकता था बट नहीं मिला, तो कोई बात नहीं यार यहाँ पे फटाफट से करते हैं रूम। एंड जो भी अपने कंपोनेंट्स मिल रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा काम के, इससे यार अपने को काफ़ी ज़्यादा स्टील वगैरह मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे यार ये स्टील का होता है। ठीक है तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, अपने को रूम वगैरह तो कर लिए। तो गाइस यार मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अभी एयरपोर्ट पे करने के लिए रूम, एंड यहाँ पे जो है अभी टैंक किधर साइड है मेरे को, वरना वो बजा देगा, एंड अगर वो मुझे बजा दिया तो बंदे भागते हुए यहाँ पे आएंगे रूम वगैरह करने के लिए, एंड यार यहाँ पे मुझे भी ठोक देंगे। तो फटाफट से चलते हैं, तो टैंक तो मुझे ऑलरेडी मार देगा, तो मैं तो कोशिश करूँगा कि ना मारूँ। गाइस यार यहाँ पे फटाफट से चलते हैं, एंड ओके यहाँ पे जो है अभी अपने को टैंक कुछ भी नहीं कर पाया, तो फटाफट से गार्ड को मारते हैं। एंड अबे भैंस की, तो एक ही गोली में मर गया भाई, किसने डैमेज दिए थे तुझे, लगता है बहुत कमज़ोर लेग पीस था यार तू। ठीक है कोई ना, यहाँ पे लेग पीस तो नहीं था, ये गार्ड था। तो फटाफट से यहाँ पे करते हैं रूम, यार ग्रीन रूम को भी चेकआउट कर रहा हूँ, एमओ चेस्ट है कि नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है, फटाफट से करते हैं। एंड ओके एमओ चेस्ट नहीं है यार, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अपने को कंपोनेंट से मतलब है, तो फटाफट से कंपोनेंट्स उठाते हैं यहाँ पे जो भी है, क्योंकि अपने पे गन आर्मर तो यार बहुत है, बहुत मतलब स्टील का थोड़ा सा कम है, तो फटाफट से चलते हैं। एंड यहाँ पे यार दो तीन सेट तो है ही, वैसे कम नहीं होता है, फटाफट से यहाँ से वायर वगैरह निकाल के चलते हैं। एंड मैं यार किधर का बात किधर ही कर देता हूँ, एंड यार गाइज यहाँ पे फटाफट से करते हैं ब्लू रूम, क्योंकि यार ब्लू रूम जो है करना ज़रूरी होता है, उससे जो है अपने को इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के आइटम मिल जाते हैं डिस्क करके मिलने से, तो यहाँ पे वो करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो फटाफट से करते हैं। एंड एमओ चेस्ट तो नहीं दिख रहा है गाइज, तो उससे अपने को लेना देना तो नहीं है, तो फटाफट से करते हैं रूम में। पता क्यों यार चेकआउट करता रहता हूँ, ग्रीन ब्लू रूम तो यार कर लेना चाहिए, बस एक दो बॉक्स दिख जाए तब भी कर लो साला, क्योंकि यार भाई उससे कोई मतलब ही नहीं रहता है यार, वो कार्ड बहुत ज़्यादा ही मिल जाते हैं। तो फटाफट से जो भी अपने उठा लेते हैं, एंड भाई जो भी क्या है सब तो बकवास ही है, जो कुछ मिलेगा डिस्क करके, भाई क्या बचा हूँ यार मैं बजूका से, भाई मेरा लक तो देख रहे हो, तो कोई ना गाइस फटाफट से चलते हैं। एंड ओके एक बंदा जो है पे भैंस की, एक नहीं यार भाई बंदा जो है टैंक किल करने आया है गाइस, आप लोग देख सकते हो। एंड यार मैं काफ़ी ज़्यादा सही टाइम पे रूम करने आया था, फटाफट से यहाँ पे बंदे को मारेंगे, बट यार गाइस एक प्रॉब्लम है, पता है क्या, यार टैंक मेरे पे ग्लिच हो रहा है, तो बंदे को मेरा पोजीशन पता चल जाएगा कि मैं किधर साइड हूँ। एंड ओके बंदे के अंदर चुल मच गया है मुझे मारने का, तो फटाफट से आजा भाई, एंड तेरे को तो मैं नहीं छोड़ने वाला भाई, वो बंदा बहुत ज़्यादा गंदा मार दिया, 2 HP को ओनली बचा हूँ, तो फटाफट से मारते हैं। एंड ओके यहाँ पे जो है मैं बच चुका हूँ, बंदा जो है यार गाइस बंदूक यूज़ कर रहा था, एंड यहाँ पे जो है कैसे तैसे करके तो मैं बच ही गया, क्योंकि यार मैं बंदे को वैसे भी डैमेज दिया था, एंड उसका बंदूक जो है मिस हो गया, मैं स्क्रॉल डाउन किया जिसकी वजह से मैं बच गया हूँ। तो फटाफट से इसका लूट वगैरह उठाते हैं, अभी भैंस की बाउंड वाला सॉरी बोन का आर्मर कहाँ से आ रहा था। एंड ओके बंदूका तो नहीं मिला, बट यार वो रॉकेट से यूज कर रहा था गाइस, देख रहे हो ना पागल आदमी था यार, आई थिंक यार उस पर एक्सप्लोजिव वगैरह लगता है नहीं था कि क्या, एंड टैंकल करने आ रहा था यार उतना तो होगा ही उसके पास। तो फटाफट से जो है अपन लोग लगाते हैं सिरिंज वगैरह, एंड यहाँ पे जो है अभी हेल्थ तो बहुत कम ही कम है, तो फटाफट से मैं यहाँ पे लूट वगैरह रख के आ चुका हूँ यार दोबारा से ओनली M4 लेके विदाउट आर्मर, क्योंकि यार यहाँ पे बंदे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो यार मैं जो है अपना आर्मर वगैरह रख देता हूँ। एंड ये जो गन है काफ़ी कम हेल्थ है, एंड ये यार यहाँ पे ग्लाइडर वाले भी बंदे घूम रहे हैं, तो मुझे पता है मैं मर जाऊँगा। एंड यार मुझे अगर ऐसा लगा कि हाँ मैं PvP जीत सकता हूँ, तो इसके बाद मैं गन आर्मर भी लेके आऊँगा। एंड यहाँ पे जो है बंदे अभी, एंड ओके एक बंदा मेरे सामने ही था, भाग के चला गया उधर यार, मुझे फुटस्टेप तो आया था, एंड मुझे लगा भी कंटेनर के पीछे है, बट वो भाग के अपने टीममेट के साथ चला गया है। तो कोई ना यहाँ पे यार अपना थोड़ा सा पेशेंस दिखाते हैं, क्योंकि यार पेशेंस की वजह से अपने को लूट मिलेगा, वरना यार अपन लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। एंड यार टैंक मेरे पे बार बार ग्लिच हो रहा है, जिसकी वजह से यार बंदे को पता चल जा रहा है कि मेरा लोकेशन कहाँ है यार, भैंस की देख रहे हो बाजू का मेरे ऊपर ही छोड़ रहा है, अब तो बंदे को कन्फर्म पता चल गया कि मैं इसी के पीछे हूँ।
तो वो तो पक्का आएगा, मुझे पता है। तो यार मुझे क्या करना है, अपना पेशेंस दिखाना है। बंदे को यार इतना कंफ्यूज कर दो कि उसको लगे कि वहाँ पे है ही नहीं बंदा। तो कोई ना, फटाफट से यहाँ पे अपने करते हैं होल्ड एंड ओके। एक बंदा जो यहाँ पे खड़ा है, पेशेंस तो काफ़ी ज़्यादा दिखा लिए, यहाँ पे मारते हैं एंड ओके। अपना लॉन्ग रेंज का एम, भाई अपना एम इतना अच्छा भी नहीं है एंड ओके। यार ये बजूका से अच्छा, वो पीछे वाला बंदा कोई दूसरा आया था, क्योंकि ये बंदे का तो दूसरे हैं अलग जो है। तो मुझे थोड़ा बहुत ध्यान तो देना पड़ेगा यार, क्योंकि टैंक भी यार मेरे पीछे पड़ा हुआ है भैंस की, देख रहे हो यार। निकलते ही डैमेज दे दिया भैंस की। तो कोई ना, दोनों बंदे जो है यार साथ में, उसके टीममेट एंड यार आई थिंक उन पे बजूका वगैरह है एंड स्टील का आर्मर है, वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि यार 22 का डैमेज आ रहा था, वो भी M4 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग तो पता कर ही लोगे, 22 एंड 43 का आया था। तो फटाफट से देखते हैं एंड ओके। देख रहे उनको यार मेरा पोजीशन पता है ना, इसलिए वो एकदम पूरा फोकस कर लिया एंड ओके। एक बंदा यार अपना कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा रहा है गाइस, देख रहे हो। एक बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा होशियार बनना चाह रहा है, तो मुझे तो उसका पता है। तो अभी मैं टैंक को देख रहा हूँ एंड बंदा इधर से घूम के तो जाने का ट्राई कर रहा है एंड वो घूम के आ भी रहा है, तो मुझे तो पता है यार गाइस। तो यहाँ पे इतना जल्दी तो घूम के नहीं आ पाएगा, आप लोग देख सकते हो। देखो वो उधर से घूम के तो पक्का आएगा, तो मैं तो यार ट्राई करूँगा मारने का, क्योंकि उसको मेरा पोजीशन पता ही है। तो मुझे तो ओपन में निकल के मारना ही पड़ेगा एंड मेरे पास आर्मर तो है नहीं, एंड मर गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। M4 बहुत कम हेल्थ का है, तो मुझे लगता है कि मैं मार ही दूंगा। तो लोकेशन तो अच्छे से नहीं पता। अबे भैंस की, भाई एक भी गोली कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो मार क्या पाऊंगा यार। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रेंज में था एंड यार गाइज मैं ज़्यादा लॉन्ग रेंज में पता नहीं क्यों नहीं मार पाता हूँ। तो प्रैक्टिस करते करते वो भी हो जाएगा गाइज, मैं तो पहले ये भी नहीं कर पाता था PvP। तो फटाफट से जो है यहाँ पे अपन लोग तो मर गए हैं, बट अपना M4 गया, कोई दिक्कत नहीं है यार गाइज। वो तो यार अपना एक रिलोड का भी बचा होगा। तो फटाफट से जो है गन आर्मर लेते हैं एंड यार चलते हैं फटाफट से, क्योंकि यार बंदा कुछ ज़्यादा खास है नहीं यार। मैंने यार देखा वो कुछ खास PvP नहीं कर पा रहा है, तो फटाफट से चलते हैं एंड यार अपन लोग जो है इस बार पेशेंस दिखा के मारेंगे। मतलब यार ऐसा कि अपना पोजीशन बताना ही नहीं है बंदे को, ताकि बंदा अपन को मार ही ना पाए। एंड यार टैंक जो है अपने को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, तो ओपन में है टैंक, तो मुझे देखना है कि मैं बजूका से मर ना जाऊँ एंड ओके। बजूका तो मेरे ऊपर ही छोड़ा एंड बंदे को मेरा पोजीशन तो पता चल जाएगा, बट मैं इतना दूर भाग जाऊँगा ना कि उसको आते आते ही 2 साल लग जाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, 2 साल तो नहीं लगेंगे, बस मैं ऐसे फ्लो फ्लो में बोल दे रहा हूँ। तो ओके टैंक का हेल्थ तो यार इन्होंने ऑलमोस्ट हाफ हेल्थ कर दिया गाइस, तो अबे भैंस की बजूका वगैरह ना मार दे टैंक, वरना यहीं पे मैं टपक जाऊँगा। अपना हेल्थ काफ़ी कम हो गया, बंदे ने मुझे देख लिया गाइस, बंदे ने डैमेज वगैरह तो दिया है। तो यहाँ पे मैं जो है TPP लेता हूँ एंड यार अगर बंदा आया तो मैं इसको ठोकूंगा एंड बंदा नहीं आ रहा गाइस, देख रहे हो। बंदा वहाँ पे कूद रहा है एंड आई थिंक उसको पता चल गया क्या है, मेरा लॉन्ग रेंज में एम बहुत बेकार है, तो वो लॉन्ग रेंज में ही जंप कर रहा है। तो ठीक है, जो कि ये भी कर लूँगा एंड उसके इसमें 2x लगाएगा इस, तो लॉन्ग रेंज में भी मैं मार सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे टैंक किधर साइड है उसको यार, तो एक टीममेट उसका डैमेज देता जा रहा है यार गाइस। एक बंदा कवर दे रहा है एंड एक बंदा जो टैंक किल कर रहा है एंड शुरू में तो उनका लॉस करा दिया था लिविस एंड एमो, तो वो लोग दोबारा गन वगैरह लेके आए हैं। तो कोई ना, वो भी लूट अपना ही होगा। तो फटाफट से थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं एंड यार रोटेशन मारते हैं, क्योंकि बंदे को लगता है मैं इधर ही हूँ, तो अगर मैं घूम के चला गया तो यार गाइस मज़े मज़े आएंगे एंड ओके। वो गाइज यार कहीं और PvP कर रहा है आई थिंक यार गाइज, क्योंकि वो कहीं और फायर दे रहा था। भैंस की टैंक तो देख रहे हो मेरे सामने ही है एंड बंदे को मेरा लोकेशन नहीं पता है गाइज, अब देख रहे हो, क्योंकि यार वो इस साइड रहता ही नहीं। अगर उसको पता रहता है मेरा पोजीशन, अभी भैंस की टैंक जरूर बता देगा मेरा पोजीशन गाइज, कोई और बताया ना बताया, लेकिन ये टैंक भैंस की मेरा पोजीशन बता ही देगा कैसे भी करके। तो कोई ना, यहाँ पे यार थोड़ा बहुत पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यार पेशेंस नहीं दिखाएंगे तो अपन का लूट भी जाएगा एंड यार कुछ लूट भी नहीं मिलेगा। तो अभी आप लोग देखना मैं पेशेंस दिखा के कैसे यार लूट वगैरह लेता हूँ एंड जो बंदा है उसको भनक भी नहीं लगेगा, मैं ऐसे उसको मारूंगा। एंड यहाँ पे जो है मैं थोड़ा रोटेशन नहीं लोकेशन चेंज करता जा रहा हूँ, क्योंकि बंदे को पता ना चलेगा, और बंदे पे बजूका वगैरह अगर कहीं मार दिया तो भैंस की यहीं पे टपक जाऊंगा। तो अपने पे सेल्फ डिफेंस तो है, बट वो बंदे पे आज ग्लाइडर है गाइस, तो फटाफट से आ जाता है यार। तो यहाँ पे मैं सारे बंदे को बुला लेता हूँ, क्योंकि मेरे से कुछ नहीं हुआ तो बाकी बंदे तो आके इसका टैंक किल का फेल करा ही देंगे, क्योंकि यार गाइस यहाँ पे PvP जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अपन लोग फायदा उठा पाएंगे एंड ओके। आई थिंक यार गाइस एक और बंदा अलग से आ गया है, उसका फाइट वगैरह हो रहा है गाइस, एंड ये टैंक को किल कर रहा है या फिर बंदे को मार रहा है मुझे नहीं पता। तो मैं यार अभी मेरे पास अच्छा मौका है, तो फटाफट से मैं यहाँ पे रोटेशन कर लिया हूँ, मीन्स यार यहाँ पे मैं फ्लैंक कर लिया हूँ, ठीक है। तो फटाफट से चलते नहीं है अभी बंदे को देखने, तो बंदा है किधर गाइस एंड टैंक मेरे पे मारे ना यार, उन्होंने उसका पोजीशन पता चल जाएगा मेरा एंड ओके। बंदा मुझे अभी तक नहीं देखा है गाइस, तो ठीक है बंदा मेरे सामने ही है, तो इसको यार जो है टैंक को किल करने देते हैं एंड उसके बाद मैं उसको बताता हूँ। रुक जाओ भाई, रुक जा तू आराम से भाई। ओके यहाँ पे खड़ा होके वो टैंक को किल करना चाह रहा है फिर क्या, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मैंने इसको मार दिया, यही बंदा था यार जो मुझे पिछली बार मारा था फ्लैंक करके। तो ओके अबे भैंस की कितना ज़्यादा यार मिल गया इस बंदे से, भाई मज़े मज़े हो गए अपने तो एंड ओके। आर्मर तो कुछ मिला नहीं खास, बट ठीक है।
अपने को गन तो बहुत सारे मिल गए एंड बजूका भी मिला है, पता नहीं उसमें यार। ओके एक सेल है तो फटाफट से यहाँ पे मैंने कर लिया इसको इक्विप। तो फटाफट अरे अके भैंस की ये ग्लाइडर वाला बंदा तो वो था, मुझे लगा ये है यार। तो ठीक है बंदा यार भाग रहा है तो यार उसको ट्राई तो करेंगे, बट यार अगर गोली लगा भी तो डैमेज नहीं आएगा ग्लाइडर पे, लॉन्ग रेंज में यार डैमेज नहीं आता है। तो फटाफट चलते हैं आगे की साइड एंड ओके अपने पे मास्क। अभी भैंस के करेक्टर रुक गया। अरे यार अगर टैंक मेरे को बजूका मार देता ना तो यहीं टपक जाता है, ग्लाइडर वाला रिटर्न आ जाता मेरा लूट लेने के लिए। तो कोई ना, अपना लक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था यार, जो कि यार अपने को टैंक नहीं मारा बजूका। तो फटाफट से चलते हैं आगे की साइड एंड यार देखते हैं जो है अपना ग्लाइडर वाला कहाँ भाग के गया है। अगर मौका मिले तो उसको मार दूंगा एंड अगर उसका बेस वगैरह होगा तो यार गाइस वो तो मुझे ही टपकाएगा, तो मैं वापस चले आऊँगा अगर उसका बेस वगैरह होगा तो। फटाफट से चलते हैं एंड ओके टावर वगैरह तो सामने साइड है एंड सामने साइड फाइट भी हो रहा है गाइस। तो ये तो फाइट ओपन में ही हो रहा है तो मुझे आगे की साइड जाना चाहिए एंड ओके यहाँ पे जो है एक बंदा यहाँ पे था एंड ओके वो बंदा यार तो आगे भाग के जा रहा है एंड ओके। अबे भैंस की टैंक को कौन डैमेज दे रहा है यार, वो तो बेस में भाग गया एंड टैंक को कोई और डैमेज दिया गया। तो फटाफट से चलते हैं यार टैंक साइड एंड यार अपना लूट वगैरह रख के आते हैं। तो गाइस यार मैं लूट वगैरह रखने के लिए जा ही रहा था तभी पता चलता है कि यहाँ पे यार एक और बंदा आ रहा है एंड यही जो है टैंक को डैमेज दिया है। तो यार इसको मैं तो छोड़ने वाला तो नहीं हूँ एंड ओके ये भागते हुए तो यहाँ से आ रहा है ओके। तो फटाफट से यहाँ पे चलते हैं आगे की साइड एंड ओके इस पर आयरन का एंड स्टील का है चेस्ट, तो स्टील का है गाइस। मैंने हेड तो दिया उसको हेड। अबे भैंस की गाइस देख रहे हो ये बंदा भाई कितना प्रो बंदा था, देख रहे हो इसने यार खुद के बाजूका से खुद को ही मार लिया। भैंस की इतना अच्छा बाजूका क्यों यूज़ करते हो भाई। तो फटाफट से इसको मारते हैं एंड ओके इसका एके एम वगैरह मिल चुका है मुझे एंड स्टील का लेग चेस्ट भी मिल गया जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। अपने को यार स्टील के आर्मर होते ही जा रहे हैं, अब अपन लोग अमीर होते जा रहे हैं धीरे धीरे गाइस। तो यहाँ पे ठीक है अपन लोगों को साइकिल लेकर निकलना है बट ओके एक बंदा और आ रहा है गाइस तो उसको देखते हैं कहाँ एंड ओके। पे भैंस की ग्लाइडर वाला बंदा यार काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा मुझे। तो यहाँ पे जो है M4 अपना करते हैं इक्विप क्योंकि लॉन्ग रेंज में यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चलता है ये क्योंकि इसका रिकॉल बहुत कम है गाइस, जिसकी वजह से यार मुझे मज़ा आता है इसको चलाने में लॉन्ग रेंज में। एंड अब तो मैं यार इसी को चलाने वाला हूँ थोड़ा दिन तक क्योंकि यार इससे मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा बैठ गया यार। सबसे सही कहते हैं आई थिंक यार M4 इज़ द बेस्ट गन। तो फटाफट से चलते हैं बकवास कम करते हैं गाइस एंड ओके ये बंदा जो अभी ओपन में आया है एंड ओके मैंने यार इसको भैंस की ज़्यादा ही तारीफ कर दिया क्या M4 का भयंकर। फटाफट से कवर में जाते हैं एंड यार एक गोली लगने बाद सारा गोली रिकवर ही हो गया। तो गाइस यार मैं बता दूँ लॉन्ग रेंज में तो मेरा वैसे भी बेकार है। तो बजूका ट्राई करते हैं एंड यार देखते हैं बजूका से अपना क्या होता है एंड भैंस की क्या परफेक्ट बजूका मार दिया मैं भाई, मजाक कर रहा हूँ मुझे पता था बंदा इधर ये फुट स्टेप आ रहा है यार तो कौन ही नहीं मार पाएगा। तो ओके अपने को एक अबे भैंस की ये तो अच्छी बात है यार अपने को स्टेप सॉरी टीटी का मिल चुका है हेलमेट, टीटी मतलब टाइटेनियम ठीक है। तो अपने पे यार चेस्ट था जो कि यार मैं बंदे से कल ही मार के लिया हूँ तो मैं कल वीडियो रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर रहा था, मैं कल भी बहुत ज़्यादा पीवीपी किया हूँ यार आर्बर पे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है पीवीपी करने में। तो यार गाइस उसमें तो यार मैंने 1v4 वगैरह भी निकाला था, बंदे वगैरह जो हैं एक दो AR लेके आए थे और बाकी बंदे यार फार्मा सूजी लेके आ रहे थे जिसकी वजह से मैं उनको EGPG मार दे रहा था। बाकी दो बंदे जो थे वो तगड़े थे एंड ओके ये बंदा तो मुझे तगड़ा लग रहा था बट अफसोस भाई इसके बस की नहीं है। तो फटाफट से इसको मारते हैं एंड ओके ये बंदा तो वही है जो खुद के बजूका से मारा था एंड भैंस की टैंक मुझे कहाँ से मार रहा है। तो ओके टैंक किधर है देखते हैं। तो फटाफट से इसका उठाते हैं बूट जो है, अपने पे स्पेस भी नहीं है गाइस आई थिंक। तो ओके स्पेस नहीं है तो यहाँ पे जो है इसको फेंकते हैं किचन नाइफ को एंड यहाँ पे उठाते हैं। अबे भयंकर टैंक किधर से मार रहा है गाइस, अबे भाई बच गया बजूका कहाँ पे छोड़ा ये, अबे भाई इसके अंदर छुप जाते हैं एंड ओके कहीं से। अबे भयंकर यहाँ पे भी पड़ रहा है भाई, यहाँ से निकल जाने तो भाई बजूका। अबे भाई साहब गाइस लक देख रहे हो मेरा, इतना लक ऐसा लक किसका होगा गाइस आप लोग बता दो। मैं जैसे कंटेनर से बाहर निकला वैसे ही बंदा आ गया गाइस, देख रहे थे मेरा लक भाई क्या बताऊँ कसम से। कोई ना फटाफट से मुझे लगता है निकलना चाहिए यहाँ पे एंड जो है टैंक अपने को दिख नहीं रहा है तो यार वो तो अपने को टपका देगा। एंड साइकिल मेरा किस साइड था मुझे यार याद नहीं आ रहा एंड ओके सामने की साइड है तो फटाफट से साइकिल उठाएंगे। एंड टैंक किस साइड है मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत इसको करना चाह रहा हूँ कि बजूका एक बार छोड़ दे उसके बाद यार मैं साइकिल उठाऊँ, बस मुझे लगता है कि निकल के ले मतलब लेके निकल जाना चाहिए यार। तो ओके ये गोली वगैरह तो फायर कर रहा है तो फटाफट चलते हैं एंड यार सीधा भागूंगा तो यार बजूका मेरे पे मार ही देगा। तो थोड़ा मैं रोटेशन कर लेता हूँ एंड ओके इधर कर लेता हूँ एंड अभी इधर कर लेता हूँ भाई, अगर वो गाड़ी में मार दिया तभी मैं मर जाऊँगा। तो अभी के लिए तो मैं इस साइड आ गया हूँ तो फटाफट से चलते हैं। अभी तो बजूका नहीं छोड़ा यार, वो पता नहीं क्या कर रहा है तो देखते हैं। एंड ओके बजूका छोड़ दिया एंड बच भी गया गाइस, तो ठीक है यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। तो गाइस यार मैं फटाफट से आ चुका हूँ एंड यहाँ पे जो है फटाफट से लूट वगैरह रखते हैं, जो यार अपना बॉक्स वगैरह फुल हो चुका है यार। तो मुझे लगता है सबसे पहले लूट वगैरह ट्रांसफ़र कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे टर्बो भी नहीं है तो यार मैं बॉक्स भी प्लेस नहीं कर पाऊँगा।
तो फटाफट से मुझे लगता है यहाँ पे लूट वगैरह थोड़ा ट्रांसफ़र करना चाहिए एंड यार अपने पी का आइटम ही रखना चाहिए, बाकी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो गाइस यार वहाँ पे लूट वगैरह मैं ट्रांसफ़र करके आ चुका हूँ एंड यहाँ पे यार पता चलता है कि एक दो बंदे और हैं एंड ये जो है पता नहीं क्यों टैंक पे आ रहे हैं, टैंक तो अभी किल भी नहीं कर रहे हैं एंड टैंक का हेल्थ जो है आई थिंक यार रिकवर भी हो चुका है, तो मुझे नहीं तो नहीं पता अभी क्योंकि मैं काफ़ी देर से था ही नहीं, तो मुझे क्या ही पता होगा, मैं तो लूट ट्रांसफ़र पर लगा हुआ था एंड ओके ये बंदा जो है यार बजूका पे बजूका यूज करता ही जा रहा है, जो ये बंदा खुद के बजूका से मारा था मेरे सामने ये वही बंदा है यार, कभी से बजूका ही चला रहा है। तो फटाफट से आगे की साइड चलते हैं एंड यार ग्लाइडर वाला बंदा यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है एंड इसको ही सबसे पहले मारने का प्लान बना रहा हूँ, जो कि यार वो सामने की साइड गया है एंड अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो फटाफट से चलते हैं नीचे की साइड में, वरना यार जिसको नहीं दिखना रहूँगा वो भी मुझे देख लेगा। तो ठीक है यहाँ पे ग्लाइडर यूज करके बंदा तो आ गया एंड ओके ये भाई मेरे सामने ही लैंड कर रहा है, भाई ग्लाइडर तो ले लिया बट यूज करने नहीं आता, क्या कर सकते हैं गाइस इनका। एंड ओके अपने को स्टील का लेग मिल चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, तो फटाफट से यहाँ पे ओके अपने पे ऑलरेडी लेग है, मुझे लगा नहीं है तो इक्विप कर लेता हूँ, बट यहाँ पे मेरे पास फुल सेट है स्टील का। तो बंदे वगैरह तो और भी देखते हैं कि नहीं है, मुझे तो वैसे तो दिख नहीं रहे हैं बट अपन लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पे यार टैंक किसी को तो मार रहा था उधर, तो मुझे जाके देखना पड़ेगा एंड देखते हैं कौन है। तो गाइस यार मुझे पता चलता है कि वो बंदा जो है बाहर की साइड अब पीवीपी करने के लिए भाग चुके हैं, तो मैं भी चलता हूँ यार रेडिएशन से बाहर, क्योंकि मास्क तो अपने पे है बट अब अंदर फाइट नहीं हो रहा है तो रहने का क्या फ़ायदा, अब बाहर ही जाना पड़ेगा। एंड सामने की साइड जो है बंदा भागते हुए जा रहा है, आप लोग को तो नज़र आ गया होगा एंड ओके भाई मैं काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रेंज में ही आ गया, तो मुझे यार थोड़ा क्लोज जाना चाहिए था बट ठीक है। एंड ओके एम ही लॉक नहीं हो रहा है, भयंकर मैं थोड़ा सा गलती कर दिया हूँ बट कोई ना, यहाँ पे साइकिल अपना उठाते हैं एंड ओके ग्लाइडर वाला बंदा फिर से आ गया भैंस की, ये ग्लाइडर वाला बंदा नहीं सुधरेगा गाइस। एंड अबे भैंस की डैमेज, अरे यार यहाँ पे ओके एक डैमेज आया 38 का आया जो। एंड यार गाइस यहाँ पे देख लो बंदा सामने के साइड ही छुप रहा है यार, तो मेरे सामने ही छुप रहा है, तो भाई तो मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। एंड ओके ये बंदा यार यहाँ पे तो हेड पे एम आ जाता है यार, बट पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, मैं ट्राई तो करना चाह रहा हूँ बट गाइस यार यहाँ पे आ नहीं रहा है भैंस की, तो अभी भयंकर क्यों नहीं आ रहा है। एंड ओके यहाँ पे बंदे को एक और 54 का पड़ा है एंड अभी भैंस की भाई उसका लक तो देख रहे हो कैसे तो बच जा रहा है यार, तो इसको मारते हैं एंड अभी भयंकर ये ले भाई कैसे तैसे करके मार दिया भाई, तू कहाँ से टपक गया अभी भयंकर, उसका नेट चला गया, अच्छा हुआ मेरा तो रिलोड ही आ गया था भाई, तो यहाँ पे इसको मैंने मार दिया। एंड ओके इसको लूटते हैं फटाफट से एंड ओके अपने M4 में एमओ नहीं है, भैंस की एक ही एमओ है यार यहाँ पे एंड मारते हैं, अबे भयंकर एमओ ही ख़त्म हो गया है, तो फटाफट से शॉटगन मारते हैं जो कि इसको। एंड ओके मैंने यार शॉटगन मारा बट अब शॉटगन का एमओ भी नहीं है, तो यार ये बंदे पे भी उजी का भी एमओ नहीं है ठीक है, तो ये मेरे को पिस्तल मार रहा है एंड अब इसका पिस्तल का एमओ भी ख़त्म हो गया, तो अब ये यार मचेट से ही फाइट हो रहा है, तो मचेट फाइट तो मैं कभी नहीं जीत पाता क्योंकि यार मुझे मचेट वगैरह यूज करने नहीं आता है अच्छे से, मैं मचेट फाइट में हमेशा हारता हूँ, तो यार ये बंदा तो मुझे फिनिश कर देगा भयंकर। एंड ओके अपना एक M4 लॉस हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, तो मैं फटाफट से यहाँ पे अपना AKM लेके आ चुका हूँ एंड यहाँ पे जो है बंदे सामने की साइड कर रहे हैं PvP एंड चलते हैं अपन लोग भी यार फाइट में शामिल होते हैं एंड देखते हैं अपने को क्या प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होके आते हैं। तो यार मुझे तो नहीं पता, आप लोग यार वीडियो में बने रहो ताकि आप लोग को भी पता रहे कि प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। तो सामने साइड बंदा एंड ओके भाई एक दो गोली तो उसको डैमेज काउंट ही नहीं हुआ, एंड ओके भाई लैग तो देख रहे हो भयंकर, ये वेंडिंग वाले का यार बेस जब जनरेट होता है ना गाइस तो काफ़ी ज़्यादा लैग होता है यार, लैग को जैसे मर गया वहाँ पे, वरना यार गाइस उसको तो डैमेज मैं दे ही रहा था यार यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो सामने की साइड जो है यार बंदा क्योंकि टैंक उसको कभी से मार रहा है एंड मुझे तो उसका पोजीशन पता है भैंस की, वो इधर उधर पता एंड ओके लो गाइस वो काम कर दिया टैंक ने उसका, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, यहाँ पे टैंक ने उसे मार दिया है, तो ठीक है मुझे साइकिल उठा के आई थिंक अबे भयंकर ये भाई टैंक नहीं सुधरेगा, तो एक बार इसको बजूका छोड़ने देते हैं एंड उसके बाद जो अपन लोग निकलेंगे। एंड ओके बजूका छोड़ दिया है, तो अपन लोग चलते हैं फटाफट साइकिल लेके दूसरी साइड एंड ओके अबे भैंस की इस टैंक तो इधर ही आ रहा है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ रोटेशन करके एंड चलते हैं देखते हैं बंदे पे लूट क्या है गाइस। एंड ओके अबे भैंस की अभी भी टैंक को कोई डैमेज दे रहा है, एंड ओके भाई ले बहुत सही, टैंक मेरा दोस्त है भाई, टैंक से मेरी दोस्ती हो गई है, देख लो टैंक मेरे को नहीं मारा एक बार भी, मैं टैंक से एक बार भी नहीं मारा हूँ, जो मरे हैं बंदे ही मरते जा रहे हैं भाई, कोई भी बंदा कवर में रह रह के मर जा रहा है, मैं ओपन में नहीं मर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे यार एक्सपीरियंस होता है गाइस ऐसा, बाकी मजाक कर रहा हूँ यार, लक काफ़ी ज़्यादा साथ दे रहा है, तो उसका साइकिल रखते हैं फटाफट से बैग में एंड अपना साइकिल लेकर निकलते हैं, क्योंकि यार बंदे अभी भी आ रहे होंगे टैंक को किल करने के लिए, क्योंकि उनको पता है टैंक किल अब हो रहा है, इतने ज़्यादा बंदे मर रहे हैं तो लोग जरूर यार गन वगैरह तो लेके आएंगे, सोचेंगे अभी भी टैंक किल हो रहा है, उनको क्या पता यार कि टैंक किल जो है फेल हो चुका है वो भी मेरी वजह से। तो ठीक है यहाँ पे निकलते हैं फटाफट से साइकिल वगैरह लेके एंड ओके आई होप यार मुझे मार ना दे यार ये टैंक, वरना यार अपने लॉल हो जाएंगे। एंड ओके यहाँ पे जो है इसका पेटी लूटते हैं गाइस, अबे भैंस की टैंक बजूका ना छोड़ दे, मैं इसी बात से डर रहा हूँ यार कि एक बार बजूका ये छोड़ दे उसके बाद मैं लूटू लूट,
एंड ओके ये जो है बजूका अभी तक तो नहीं छोड़ा भाई, बजूका छोड़ दे एंड ओके अभी बजूका छोड़ चुका है तो फटाफट चलते हैं। एंड जो है लूट उठाता है भैंस की साइकिल तो अपना हवा में चला गया है, तो ठीक है मैं हवा में जंप किया मतलब तो हवा में ही रह गया साइकिल, यार ऐसा भी होता है क्या? तो ठीक है ऐसा भी होता है मुझे पता चल गया, तो जिसको नहीं पता होगा उसको भी पता ही चल ही गया होगा। तो फटाफट चलते हैं सामने की साइड, जो है यार गाइस पीपी वगैरह हो रहा है तो अपने पे यार तो मेडिकेट वगैरह है नहीं तो अपन लोग को ऐसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अब हेल्थ कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा। एंड यार मैं चेक कर रहा था क्या पता मेरे पास मेडिकेट मिल गया हो, बट यार मेरे पास कभी से मेडिकेट है ही नहीं, मेरे बेस में भी मेडिकेट नहीं है गाइस, तो यार मेडिकेट वगैरह तो ख़त्म हो गया है। तो फटाफट से चलते हैं आगे की साइड, जो कि यार वहाँ पे पीपी हो रहा है, तो यार बंदे वहाँ पे जो हैं तो अपन लोग अभी साइकिल रखो रख देते हैं एंड चलते हैं पैदल, ताकि उन लोग को लोकेशन वगैरह ना आए, मीन्स यार उनको नोटिफिकेशन ना जाए, क्योंकि साइकिल का पता ये लॉन्ग रेंज से ही आ जाता है नोटिफिकेशन। तो बंदे सामने की साइड तो हैं एंड ओके वो लोग तो यार उसका बेस जो है यार कैंप कर रहे हैं, वो कोई और बंदा है एंड ये दो लोग जो है उसका कैंप कर रहे हैं। एंड यार ये कौन सा बंदा है, मार तो रहा है बट वो मुझे दिख नहीं रहा है गाइस, देख रहे हो ये मार तो रहा है किसी को बट मुझे दिख नहीं रहा है, तो यार मुझे उसको देखना पड़ेगा। तो वो मुझे नहीं दिख रहा है तो सीधी सी बात है कि मैं भी उसे नहीं दिखूंगा, तो सीधी सी बात है कि उसको करते इग्नोर, पहले इसको देखते हैं ये मुझे देख रहा है कि नहीं। एंड ओके ये बंदा तो मुझे देख रहा है एंड अब मारने के लिए भी आ रहा है, यार पहले टीम अप कर रहा था फिर मारने के लिए आ रहा है, भाई बंदे क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे ये जो है फटाफट से चलते हैं बैक टू लॉबी करने के लिए, क्योंकि जो बंदा हाइड है अगर मैं बैक टू लॉबी पहले कर लूँगा, एंड देख रहे हो उसका नाम जो है बार बार आ रहा है किलफीट में, आप लोग देख रहे होंगे एफ नाम से कुछ है उसका फल्क वगैरह, तो यहाँ पे करते हैं फटाफट से बैक टू लॉबी एंड उसके बाद जो है अपन लोग आएंगे तो इससे पता चलेगा कि हाँ यार बंदा कहाँ पे है, एंड बंदे को अपन लोग नहीं दिखेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो यार यहाँ पे बैग होने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, तो गाइस यहाँ पे मैं आने ही वाला हूँ, आ चुका, तो फटाफट से चलते हैं। एंड यार यहाँ पे बंदा है कि नहीं मुझे नहीं पता, तो वो बंदा कौन सा है तो ये तो नहीं पता है, बट ये है कि अब मुझे सारे बंदे दिखेंगे, वही एक बंदा जो था हाइड था, तो आई होप कि मैं भी उसके सामने हाइड हूँ, वरना यार अपने तो लॉल हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो बंदा यार अच्छा खेल रहा है एंड यार वो जो है उसका मतलब मूवमेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा सही है एंड वो पुराना प्लेयर है, और सबसे अच्छी बात है यार कि मुझे लगता होगा उसका फ़ोन लैग नहीं होता होगा यार, कि वो इतना मूवमेंट करके मारता है तो सीधी सी बात है उसका फ़ोन लैग नहीं होता है। अबे भैंस की ये कौन चला गया मेरे सामने से, अबे भयंकर ये तो उतर के उसको बजा भी दिया यार, कोई ना ये इसी बेस का बंदा आई थिंक, एंड ओके ये इस अपने बेस में चला गया, इसी बेस का बंदा। एंड यार वो मेरा साइकिल ही यूज कर रहा है भयंकर, मेरा साइकिल ही सामने है एंड मैं सामने की साइड जा नहीं सकता गाइस, क्योंकि मैं सामने की साइड गया तो यार बंदा मुझे मार देगा। एंड ओके बंदा साइकिल लेके मेरा निकल गया, तो कोई ना यहाँ पे अपन लोग भी निकलते हैं आई थिंक पीछे की साइड, क्योंकि सामने की साइड जाना तो बेकार है, क्योंकि वो बंदा जो है अपना साइकिल ही लेके बैठा है एंड उस पे यार कुछ भी खास है नहीं। मैं तो उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो बंदा यार हाइड था, वो बंदा अगर मिल गया ना तो मज़े आ जाए। एंड भैंस की ये कौन सा बंदा है, फटाफट से आगे चलते हैं, अगर ये अपना वाल तोड़ा एंड उसके बाद मैं अंदर चला गया ना गाइस तो मज़े ही मज़े आ जाएंगे। एंड ओके अबे भैंस की बंदा तो अंदर चला गया, मैं बिना फुट स्टेप दिए बाहर आना चाहता था, मेंस यार इस साइड आना चाहता था एंड उसके बाद सोचा मैं अंदर चला जाऊंगा, तो अगर वो लोग लूट रखे होंगे तो सारे लूट तो अपने ही हो जाते हैं, बट अफसोस मैं यार थोड़ा सा लेट हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ये साइकिल वाला बंदा यार मेरा साइकिल लेके घूम रहा है कभी से इधर उधर, भाई मेरा साइकिल दे रहा है भाई, उसका टिकट का पैसा वगैरह भी दे, बाकी ठीक है मैं बकवास कुछ ज़्यादा ही कर दे रहा हूँ यार गाइस, तो यहाँ पे यार मुझे ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है बंदा सामने की साइड कहाँ पे जा रहा है मुझे नहीं पता है, एंड ओके ये तो उड़ फार्म करने जा रहा है यार, तो फटाफट से चलते हैं आगे की साइड एंड इसको जो है बजाते हैं एंड इसको ना गाइस अंदर आने का देते हैं यार, अगर ये उड़े जो फार्म करके अंदर लेके आएगा ना तो उसके बाद ये बेस के अंदर जाने का ट्राई करेंगे। एंड ये बंदा जो है मुझे देख लिया गाइस, अबे भैंस की एक ही मच्छर में कितना हेल्थ कम कर दिया ये भाई साहब, भाई ये बंदा क्या था यार, एक ही मच्छर में इतना ज़्यादा हेल्थ खत्म कर दिया, भाई बंदे बहुत खतरनाक है, मुझे निकलना चाहिए यार गाइस, यहाँ पे मेरे पे मेडिकेट भी नहीं है एंड मैं यार ओनली 13 HP का बचा हुआ हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा छुपे रहते हैं। एंड यार देखते हैं अगर बंदा दोबारा से बाहर आएगा तो फिर उसको मारेंगे, यहाँ पे यार मेडिकेट वगैरह तो नहीं है एंड यहाँ से देखते हैं, एंड ये भी नहीं है भाई, ठीक है तो यहाँ से मुझे निकलना ही चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, तो यहाँ पे बंदे वगैरह तो आएंगे, तो अगर वो फार्मास वगैरह भी लेके आ गए तो मुझे यार मार देंगे, इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा था। एंड यार मैं निकल रहा था तभी यार सामने साइड जो है ये बंदा दिख जाता है, एंड ये वही बंदा है जिसके सामने ये हाइड था मेरे सामने, एंड मैं इसके सामने हाइड हूँ कि नहीं है ये अभी तो पता चलेगा जब मैं इसको मारूंगा। तो यार गाइस यहाँ पे मैंने इसको डैमेज दिया एंड ओके ये गाइस का बंदी का भाई देखे वो रिफ्लेक्शन, भाई तुरंत ही मेरे को देख लिया भाई, उसको पता चल गया मैं इधर ही से मार रहा हूँ, वो कुछ भी मूवमेंट नहीं किया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था यार बंदे का पीवीपी। तो कोई ना ये मेरा यार गाइस फाइनल पीवीपी है, अगर मैं इस बार मर गया तो मैं दोबारा तो नहीं आने वाला हूँ,
इसलिए मैं बहुत ही पेशेंस दिखा के इस बार मैं पीवीपी करने वाला हूँ। देखते हैं अपन लोग फाइट जीतते हैं या फिर हारते हैं। तो ये अपना, अगर मैं मर गया तो ये अपना फाइनल फाइट होगा एंड उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं आगे की साइड एंड बंदा जो है सामने की साइड ही कैम कर रहा है बैठ के, तो अपन लोग थोड़ा सा पेशेंस दिखाते हैं एंड अगर वो दूसरे फाइट में अगर व्यस्त होगा तो ही मारूंगा। तो अभी तो वो गाइस यार वो कहीं ना कहीं तो व्यस्त है एंड ओके सामने की साइड ही आ गया। बस को लोकेशन पता रहता है यार, जब मैं इधर आता हूँ तब ये मेरे साइड आने लगता है साला। तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है एंड 23 का डैमेज आ रहा है, इसका मतलब इस पर स्टील का चेस्ट है गाइस। तो यहाँ पे इसको मारते हैं एंड इसका स्टील का चेस्ट मिल गया, ठीक है भाई। यहाँ पे सही है, इसका लूट वगैरह तो ड्रॉप हुआ कम से कम ज़्यादा एंड इसका क्यूबी जेट भी गिरा है जो कि काफ़ी कम हेल्थ का है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी भाई, बजूका मार दिया यार इतना गंदा भाई, पेड़ पे मारा आई थिंक उसने, बट मुझे भी उसका इफेक्ट आ गया। बट ओके भाई, बंदा सामने की साइड है बट इस पर गन नहीं है फिनिश करने के लिए। भाई मैं यहाँ पे रिवाइव हो चुका हूँ तो भाई अब तो मैं बच गया बट तू नहीं बचेगा भाई, यहाँ पे तेरा बजूका तो मैं लेके रहूँगा। तो यहाँ पे तू मर तो चुका है एंड ओके फिनिश भी हो चुका, फटाफट से चलते हैं। एंड यार गाइस आई होप कि इसका बजूका गिरा हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा बंदूक का बजूका ड्रॉप ही नहीं हो रहा यार एंड इसका भी ड्रॉप नहीं हुआ। अबे भैंस की ये कौन आ गया, अबे भयंकर मच्छड़ से मार दिया यार, देख रहे हो भाई कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे, मच्छड़ से ही मार दे रहे हैं। एंड ओके यार अपना क्यूबी जेट गिर गया जो कि उस बंदे से ही मिला था यार। तो यार गाइस वो फाइट तो मैं जीत चुका था, तो मैं सोचा यार फाइट जीत चुका हूँ तो मैं जो दोबारा आना तो बनता है। एंड ये जो बनता है यार गाइस, मैं सोचा इस साइड से तोड़ेगा तभी मैं उसको मार दूंगा एंड उसके बाद यार मैं अंदर जाऊंगा। भैंस की वो उधर से तोड़ दिया जो कि उसका दिमाग नहीं उसका लक बहुत ज़्यादा सही था। एंड ओके ये बंदा तो मुझे देख लिया आई थिंक एंड ये आ रहा है मेरे से फाइट करने। ओके ये यार गाड़ी लेके ना भाग जाए भैंस की, मैं भी बैठ जाता हूँ उसमें। एंड अभी भयंकर ये कौन दूसरा बंदा आ गया एंड ये ओके कार फाइट तो भाई मेरा फेवरेट है, इसमें तो भाई मेरे से कभी नहीं जीत पाओगे क्योंकि ये मैंने बहुत बार किया यार, ये मतलब ये गेम में मैंने चौथी बार की चार बार किया आई थिंक और ये मेरा पांचवा बार है। तो देखते हैं आज मैं फाइट जीतता हूँ कि नहीं जीतता हूँ, क्योंकि मैं एक ही फाइट अभी तक हारा हूँ कार फाइट में, वरना हमेशा मार ही देता हूँ बंदों को। एंड ओके एक तो नॉक हो गया एंड दूसरा पीछे के साइड खड़ा है तो अपन लोग को जो है इसको भी मारना पड़ेगा। एंड अब ये तो बैठ गया, इसको फिनिश कर देते हैं एंड अपन लोग अब बैठ जाते हैं। भाई भाई लॉल यार बंदा उसका लूट उठा लिया यार, ये तो गलत बात है भैंस की। तो यहाँ पे अपन लोग करते हैं रिलोड एंड बंदा उस साइड उतरा, मैं बैठ जाता हूँ। भाई कितने ज़्यादा मज़ा आता है भाई, ये लोग बंदा मर चुका है एंड उसका गन वगैरह तो ड्रॉप नहीं हुआ, तो उस पर यार फार्मस वगैरह ही था तो अगर अपने को मिलता है तभी कोई प्रॉफिट खास था नहीं क्योंकि अपने को अब यार से मतलब है। अबे भैंस की अपना रेड डॉट ही टूट गया यार लॉल। तो यहाँ पे अपन लोग तो कुछ कर नहीं सकते, अपना एकेएम भी टूटने ही वाला है एंड ये बंदा भाई अबे भयंकर क्या छोड़ा है मेरे ऊपर, बजूका था कि क्या था गाइस यार, वो मेरे ऊपर ही फेंक दिया मुंह पे आके फटा है भाई। तो ये बंदा तो मुझे लेके जा रहा है टैंक के पास गाइस, देख रहे हो। तो यहाँ पे चलते हैं इसके साथ टैंक पे एंड यार जैसे टैंक के पास पहुँचने वाला होगा मैं तो जंप कर लूँगा भाई, तो अभी तो मैं जंप कर लेता हूँ। एंड ओके अभी जो है बंदे को पता चल गया होगा, तो ये बंदा तो रुक ही गया है क्योंकि यार उसको पता ही चलेगा जंप करूँगा तो। एंड ओके ये बंदा देख रहे हो घुमा के रिटर्न आ गया यार, तो फटाफट से चलते हैं एंड आई होप ये बंदा भागे ना गाइस। तो यहाँ पे चलते हैं आगे की साइड एंड ओके बंदे को तो मेरा फुट स्टेप आया होगा बट वो भाग रहा है गाइस। तो यार फ्यूल वगैरह तो रखा है भयंकर, जब मैं मारता हूँ तो फ्यूल रहता ही नहीं है। तो यहाँ पे इसको मारते हैं एंड ओके अबे भयंकर गाड़ी में डैमेज ही नहीं आ रहा है, बिना रेड डॉट का चलाना गन बहुत मुश्किल है गाइस लॉन्ग रेंज में। तो यहाँ पे चलते हैं आगे साइड, बाकी पता नहीं कैसे बंदे यार मार लेते हैं बिना रेड डॉट के लॉन्ग रेंज में भी। तो वो बंदे आईपैड वाले होते हैं तो उनका कुछ अलग ही बात है। एंड ओके ये बंदा जो है अपने को फार्मर से मारना चाह रहा है गाइस, तो अपन लोग जो है अभी बैठ जाते हैं क्योंकि उसका दूसरा टीममेट आ रहा है एंड यहाँ पे वो यूज करते हैं मेडकिट एंड इसका टीममेट पक्का यार लूट उठाने जाएगा, तो मुझे ये चीज़ ध्यान देना है। एंड यार अपना जो एकेएम है काफ़ी कम हेल्थ का एंड देख रहे हो वो लूट उठाने ही गया भयंकर, ये उठा भी लिया होगा आई थिंक। एंड ओके गाइस यार आई थिंक इसने उठा भी लिया, इन लोग का यार स्ट्रैटेजी अगर एक बंदा मारता है तो दूसरा बंदा उसका जाके लूट उठा लेता है फटाफट से एंड देख रहे हो इसका लूट उठा लिया इसने। तो कोई बात नहीं यार गाइस, यहाँ पे अपने को फ्यूल फिर से नहीं है, बंदा यार जब भी उतरता है फ्यूल निकाल ही लेता है एंड उसका यार फ्यूल भी ड्रॉप नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका आर्मर भी उठा लूँगा, इस बार तो आर्मर भी यूज नहीं कर पाएंगे सब, तो अपन लोग को यार निकलना पड़ेगा क्योंकि अपना एकेएम का हेल्थ देख रहे हो गाइस काफ़ी ज़्यादा कम है यार, तो अपने को रुकना यहाँ पे टाइम वेस्ट है। एंड यार गाइस यहाँ पे मैं बता दूँ दोबारा से मैं आता हूँ एंड उसके बाद जो है यार फिर से एक कार वाला फाइट होता है एंड यार बंदा जो है कार को लेकर टैंक के सामने जाता है, मैं जैसे टैंक के पास पहुँचने वाला रहता है मैं जंप कर देता हूँ एंड वो टैंक के नीचे जाके मर जाता है। बट यार बंदे पे कुछ भी लूट नहीं होता जिसको जो है मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है, तो मैं गाड़ी लेके यहाँ पे आ जाता हूँ रूम वगैरह करने के लिए। एंड यहाँ पे करते हैं फटाफट से रूम जो कि पहले करते हैं ग्रीन रूम, क्योंकि यार अब वीडियो बना रहा हो तो यार ग्रीन रूम भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे यार वीडियो लंबा कैसे होगा वरना, भाई समझ रहे हो ना, समझ रहे हो भाई, आई होप कि समझ रहे हो यार।
तो ठीक है यहाँ पे चलते हैं यार। देख रहे हो ब्लू रूम में भी ये पर्पल कार्ड है एंड ग्रीन रूम में भी ब्लू कार्ड है, तो फटाफट से करते हैं जो है अपना पहले ब्लू रूम, क्योंकि पहले यही जरूरी है गाइस। तो इस बार यार ग्रीन रूम तो नहीं करेंगे यार गाइस, क्योंकि मैं कार्ड ही लाना भूल गया, अभी को मुझे याद आ रहा है। तो ओके साभंज गए ओके, तो ओके गाइस यार आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड यार कमेंट करके बता देना कि हाँ यार मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाने का ट्राई करूँगा। तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट मींस यार पार्ट टू, ठीक है। तो एक बंदा और आ रहा है तो उसको मारते हुए आप लोग देख लो, एंड ये जो है बोनस आप क्लिप बोल सकते हो। तो यहाँ पे फटाफट से इसको मारते हैं एंड ये तो मर चुका, एंड इस पर लूट वगैरह भी आप लोग देख लो, एंड उसके बाद करते हैं वीडियो को एंड, ठीक है। तो वायर वगैरह भी निकालते हैं एंड यहाँ से चलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।